नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हमें जीवन में जो अच्छे दोस्तों की कल्पना करते हैं हम लोग, दोस्त अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कैसे पहचाने? अच्छा, जितने भी आपके दोस्त हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं ये कैसे पहचाने आप? भाई, दोस्त तो हम स्वयं बनाते हैं ना। पेरेंट्स हमें गॉड की तरफ से मिलते हैं, वो चुनाव हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दोस्ती का चुनाव तो हमारे हाथ में है। दोस्त अच्छे मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगे, इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। कुंडली का एक ऐसा भाव जो आपकी दोस्ती को दर्शाता है, जो आपके जीवन में आने वाले उस दोस्त की भूमिका को दिखाता है। कुछ कुछ चीज़ें हमें, जैसे हमें ज़्यादातर कैसे दोस्त चाहिए होते हैं? एक, कि वो हमें ज़्यादा तंग ना करें, हमारे ऊपर दबदबा ना बनाएं, हम जब बात कहें मान भी लें। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मान ले बात उनकी, वो भी माने, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं आप अपनी दोस्ती के चलते कि सामने वाले की सांस रोक लेते हैं आप। चलो आज वहाँ चलो, आज अभी आ जाओ, आज अभी खा लो, अभी पी लो, आज मुझे ये खाना है यही खाओ आप। तो ये दोस्ती तो मुझे लगता है ज़्यादा देर चलती नहीं है। कभी खुद की कहो, कभी सामने वाले की मान लो, तब दोस्ती चलती है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेनेट होता है जो इस तरीके के दोस्त दिलाता है कि आपकी सांस लेना मुश्किल कर देगा, आपके जीवन के अंदर एक खलबली मचा देगा। यानी दोस्ती मीन्स पीसफुल लाइफ, कि जहां आप अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे पल बिता सकें। लेकिन जहां बोझ बनने लग जाए दोस्ती, तो वो तो आपके पल जो अच्छे सुकून के हैं वो भी छीन लेंगे। तो सबसे पहले कि आपको किस तरीके के दोस्त मिलेंगे, अगर दबाव वाले प्रेशर वाले दोस्त मिल रहे हैं तो आपकी कुंडली का ये भाव कहीं ना कहीं पीड़ित है, इस प्लैनेट का प्रभाव उसमें बहुत ज़्यादा है। पंचम भाव लग्न का हमारी दोस्ती का भाव होता है, और कितना समय चलेगी इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और चलेगी नहीं चलेगी ये भी अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर प्रेशराइज करते हैं आपके दोस्त तो इसका मतलब है आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु का कहीं ना कहीं संबंध ज़्यादा है, मैलेफिक प्लेनेट का कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा है। यानी उथल पुथल मच गई आपकी। दोस्त मिला तो ऐसे लग रहा आफत आ गई, दोस्त आने वाला आपको घबराहट शुरू हो जाती होती है ना। बहुत सारे लोगों को कोई दोस्त आने वाला तो उसकी घबराहट शुरू पहले हो जाती है, हाय पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या कह देगा ये दोस्त, पता नहीं कैसा कर देगा, अरे अरे इससे ऐसे नहीं बात करनी, इससे बच के रहना, प्लानिंग करनी पड़ती है आपको। तो दोस्ती ही कहाँ है जहाँ आपको प्लानिंग करनी पड़े, वो दोस्ती होती ही नहीं। चलिए, आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण आपकी दोस्ती में खलबली ज़्यादा आती है, दोस्ती कम आती है। तो आपको खास करके, चाहते तो हैं आप दोस्ती ये निपटी रहे, अगर बन गया है तो डेफिनेटली चाहते हैं कि निपटी रहे, लेकिन आपको एक मोटे तौर पर एक छोटा सा उपाय है जो आप करते रहना चाहिए। आपको हर शनिवार को कबूतरों को बाजरा डालते जाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो थोड़ी खलबली भी कम मचेगी, डर भी नहीं, घबराहट भी नहीं होगी, आ गया दोस्त आ गया, है ना, दोस्त सहेली जो भी आ गया कैसे करेंगे, तो ये खलबली नहीं होगी और आप उस रिश्ते को थोड़ा सा बैलेंस भी कर पाएंगे। फिर बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अब वो कौन सी संभावनाएं होती हैं कुंडली में जिन पर आप फेथ कर सकते हैं? कुछ ऐसे प्लैनेट, कुछ ऐसे प्रभाव आपकी कुंडली में जहां से आपकी दोस्ती में थोड़ी सी एक अच्छी जान आ सकती है, जहां आपको लगता है कि एटलीस्ट हमने दोस्ती बनाई तो कम से कम हमारे सर चढ़ करके नहीं बोल रही है वो दोस्ती। आप अपने दिल की कुछ बातें कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, और वो भी अगर कहेंगे तो आप उसको मान भी सकते हैं। तो पहचान एक पर्सन को तो करनी ही पड़ेगी कि सामने वाले की अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हरकतें करता है तो ये व्यक्ति की कुंडली में ऐसा दोष होगा ज़रूर। जिनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करें, कहीं ना कहीं अगर जुपिटर यानी गुरु का संबंध
बृहस्पति का संबंध आपके लग्न से पंचम भाव के साथ है, जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर अपना अड़ियलपन ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि गुरु हैं, थोड़ा लीडर प्लैनेट रहता है, लेकिन उनके अंदर एक क्षमता होती है बात पचा लेने की, कि समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, सामने वाले ने बात करी है तो मुझे फैलाना ही नहीं है, वरना तो इतने कान के कच्चे और ज़ुबान के कच्चे होते हैं दोस्त कुछ, कि एकदम से आग बबूला की तरह आग को फैला देते हैं और इतनी सी बात को इतना भी कर देते हैं। तो ऐसे भी दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन ये जुपिटर का कंसर्न अगर आपके पंचम भाव के साथ बन रहा है और उस पर किसी भी मैलिफिक प्लेनेट की दृष्टि उस पर नहीं है, तो ये दोस्ती में आप कुछ समय बात कर सकते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपने दिल को खोल सकते हैं, कोई परेशानी है तो आप अपनी बात कह सकते हैं, ये दोस्ती चल सकती है कुछ समय। एटलीस्ट आपको एक रिलीफ ज़रूर मिल जाता है कि एटलीस्ट आपके पास एक ऐसी प्लेस है जहां आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, और ये भी पता है और रिलैक्स होकर के सो भी जाते हैं आगे, कि उनको पता है ये बात कहीं और नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे दोस्त हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपका साथ देते हैं, जो आपसे बात सुने और जग जाहिर कर दे वो दोस्त, वहाँ आप अपने दिल की बात तो कहना बंद ही कर दीजिए, लेकिन आपके लिए वो डेंजरस भी हो सकते हैं। फिर आती है कुछ ऐसे दोस्त जो आपके बुरे वक्त पर साथ दें, कदम से कदम मिला करके। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर डिपेंड करता, तो दोनों साइड ही होता है, ये चीज़ें वाइस वर्सा हैं। अगर एक ने साथ दिया तो दूसरे ने भी, हाँ किसी की मात्रा कम, क्योंकि हर कोई सिमिलर नहीं हो सकता, हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, कुछ कुछ बहुत बड़ बोले होते हैं, कुछ कम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो कम बोलते हैं तो उनका दिल साफ नहीं, उनका माइंड साफ नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बहुत बोलते हैं तो उनका माइंड बहुत साफ होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। जो बहुत बोलते हैं उनका भी दिमाग कई बार शातिर चल रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आप नहीं पहचान सकते किसी को, बट अगर आपके दोस्त फ्रूटफुल हों, जो आपका हमेशा साथ निभाएं, ऐसे दोस्तों के कुंडलियों में खास करके इस तरीके के योग होते हैं, मरकरी का योग, वीनस यानी शुक्र का योग, और धैर्य के स्वामी शनि का योग। यानी ये तीन प्लैनेट का प्रभाव दोस्ती के भाव पर अगर रहे तो वो दोस्त आपकी लंबे समय भी चलते हैं और आपके सुख दुख के साथी भी होते हैं। इंजॉय करने की बात आएगी तो खूब सारा इंजॉय करने चले जाएंगे, जहाँ संवेदनशील बात होगी, बहुत सेंसिटिव इशू होगा, वहाँ आपके साथ खड़े रह जाएंगे। जहाँ आपकी समस्या होगी तो बहुत धैर्य से उस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहीं कुछ दोस्त ग्रीडी भी होते हैं, लालची। अब लालच कई तरह का होता है, सिर्फ एक लालच की बात नहीं हो रही, यहाँ हर तरीके के लालच की बात होगी। लालच मीन कि अच्छा गिफ्ट मिल जाए, अच्छा हमें घुमा के ले आए, अच्छा हमें खिला पिला दे, अच्छा हमारे साथ कहीं भी जहाँ हम कहें वहाँ चल देंगे, अच्छा हम जहाँ कहेंगे वहाँ पैसा लगा देंगे, अच्छा जहाँ हम कहेंगे वहीं उठ के जाएंगे, वहीं बैठ के जाएंगे, यानी हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसे दोस्त कौन से प्लैनेट है जो बड़ा ग्रीड पैदा करा रहे हैं? मरकरी, मार्स, राहु या केतु, यानी बुध का, मंगल का, राहु का, केतु का, अगर प्रभाव ज़्यादा है आपके दोस्ती के भाव को डैमेज कर रहा है ये प्लैनेट। अब खास करके हम जब मरकरी की बात करते हैं, खुद तो डैमेज करता नहीं है, लेकिन जब ये किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ बैठ करके उस भाव को एस्पेक्ट देगा, क्योंकि मरकरी जो साथ में प्लैनेट होता है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देता है, तो आपको अगर एस्पेक्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। चलिए कितने भी सारे फैक्टर्स हों, आप ये चाहते हैं आपकी दोस्ती अच्छी रहनी चाहिए, आपके साथ जो दोस्त हो वो फ्रूटफुल होने चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? एक, सबसे पहले अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो किसी से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि पंचम भाव आपकी कुंडली का कैसा है,
और अगर उसमें मैलिफिक प्रभाव ज़्यादा है तो उन मैलिफिक प्लेनेट के उपाय ज़रूर करने चाहिए। एक जर्नली उपाय आपको बता रहे हैं, हमेशा अपने पास एक केसर के पीले रंग के कपड़े में डाल करके एक पोटली बना करके हमेशा अपने साथ रखिए। आपके साथ जो दोस्ती बनेगी वो लंबे समय भी चलेगी और वो आपका साथ भी निभाएंगे, आप भी उसका साथ निभाएंगे और एटलीस्ट एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं होगा, एक बैलेंस हेल्दी रिश्ते को आप लेकर के आगे चल पाएंगे। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।